जब तक मेरा ऐसा लंबा चौड़ा इंट्रोडक्शन नहीं होगा मैं आगे नहीं आऊंगा। कभी ऐसा हुआ कोई हीरो आपके साथ डायलॉग बोल रहा हो और आपकी आंखों में देख के डायलॉग भूल गया हो? नहीं। हम लोग सब कौन है? हम तो इंसान है ना। नहीं, मेरा बच्चा है। कहां की बात आप कहां ले गए आप? मैं डेट की बात पेट तक लेकर आया। शिमारू के नए वीडियोस के लिए सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाना न भूलें। एक बड़ी जबरदस्त थ्रिलर फिल्म आ रही है। फिल्म का नाम है बॉब बिस्वास और आज उसकी स्टार कास्ट जो है वो हमारे साथ मौजूद है। तो चलिए आप सबकी जोरदार तालियों के बीच मंच पे बुलाते हैं। वेरी ब्यूटीफुल, वेरी चार्मिंग, वेरी हॉट, वेरी सिजलिंग, वेरी एंड वेरी वाओ, चित्रांगदा सिंह एंड मिस्टर अभिषेक बच्चन। एक मिनट, एक सवाल पूछूं? जी सर। इनका लंबा चौड़ा इंट्रोडक्शन दिया आपने। जब तक मेरा ऐसा लंबा चौड़ा इंट्रोडक्शन नहीं होगा मैं आगे नहीं आऊंगा। सही है कि नहीं? ओके। हाँ जी, मैंने मान लिया है। मैं मानता हूँ बहुत ही खूबसूरत हैं। हम भी इतने खराब नहीं है यार। टेक टू, डू इट अगेन। मैं खड़ा हूं इधर। और मिस्टर अभिषेक बच्चन। अभिषेक भाई, चित्रांगदा, आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है। चित्रांगदा पहली बार हमारे शो पे आई है। मैंने तो उम्मीद छोड़ दी थी वैसे। मैंने भी छोड़ दी। मुझे लगा 9 साल हो गए अभी तक नहीं आई, शायद हमारी रेंज से बाहर है। तो पता नहीं आएंगी कि नहीं आएंगी। नहीं, आप मेरे रेंज से बाहर थे। अरे क्या बात कर रही है, ये प्रॉब्लम थी। नहीं, मैं आपको बता दूं, पहली बार मैं भी जब इनके शो पे आया था हैप्पी न्यू ईयर के लिए, सेम डायलॉग मेरे ऊपर मारा था। सिर्फ साल कुछ, आपने बोला कि 6 साल हो गए। 9 साल हो गए। उसके बाद तो बहुत कुछ बदल गया है कपिल भाई जी। शादी हो गई, बच्चे शक्ति हो गए हैं, ये सब बातें बतानी जरूरी थी आपको। जिस शादी की बात कर रहे हैं ये वो 3 साल पहले हुई थी, और जो बच्चों की बात कर रहे हैं वो ऐसे छोटे छोटे से ही है, मतलब ऐसा कोई। चित्रांगदा, नाम जितना खूबसूरत है खुद भी उतनी खूबसूरत है। बिल्कुल। मैं कभी कभी सोचता हूँ कि अगर हमारे शो के होस्ट दारा सिंह होते तो कितनी वेरिएशन मिलती इनके नाम के। भाई देवी और सजनों, प्लीज वेलकम भाई चित्रकंदा सिंह। माफ करना देवियो, भाई चित्र अंगदा सिंह, सॉरी अश्वगंधा। चित्रांगदा, लेकिन आपका बड़ा प्यारा नाम है, बहुत ही। थैंक यू। आइए, और आपने इतने अच्छे से उसको इतने सारे वेरिएशंस जो दिए हैं, मैं सारे सुन चुकी हूँ। Which was the most unique variation of your name जो सुना है? जो सबसे ज़्यादा मैं सुनती हूँ है चित्रगंधा। Wait, your name is not चित्रगंधा? Very funny, okay, sit down. Thank you. मुद्दे की बात पे आते हैं। अभिषेक भाई, चित्रांगदा, आप दोनों को बहुत बहुत मुबारक। बॉब बिस्वास का ट्रेलर बड़ा ही कमाल का है। थैंक यू। अभिषेक भाई, आपने इस फिल्म के लिए वेट भी बढ़ाया है। जी, ऐसे क्यों? मतलब आपको क्या लगता है अगर वेट नहीं बढ़ाते तो बॉब पे लोग विश्वास नहीं करते? कि बॉब
पर यार बड़ा मेहनत वाला काम होता है वेट बढ़ा के और वापस आपको फिर अगले प्रोजेक्ट के लिए कम भी करना है। मैं आपको बता दूं कपिल भाजी, मैंने ये पहले भी किया था, मैंने कुछ बापरे बाप 15 साल पहले एक फिल्म बनाई थी गुरु। जी जी बड़ी कमाल थी, उसमें मैंने कुछ 20 किलो वजन जो है बढ़ाया था उसके लिए। जी उन दिनों तो जवान थे तो वो ठीक था, लेकिन जब सुजॉय जो इस फिल्म के प्रोड्यूसर भी हैं और उन्होंने लिखा भी है, उनकी जो बेटी हैं दिया, ये उनकी पहली फिल्म है, डायरेक्टर हैं, 26 साल की छोटी सी बच्ची है लेकिन पटाखी है एकदम, शी इज मेड दिस फिल्म, इट्स अमेजिंग। जब वो पहली बार मुझसे मिलने आए, मैं आपको एक सीक्रेट बता दूँ, मैंने कहानी जो पिक्चर थी वो देखी नहीं थी। अच्छा और बॉब बिश्वास जो कैरेक्टर है, इट्स अ स्पिन ऑफ ऑफ अ कैरेक्टर फ्रॉम कहानी। जी जी उसमें भी एक किरदार है जिनका नाम था बॉब बिश्वास, उनके ऊपर ये पिक्चर बनाई गई है। ओके अभी ये कहानी के पहले है कि बाद है, ये मिस्ट्री है, ये फिल्म देख के जी पता लगवाइए। तो जब वो पहली बार आए थे, उन्होंने कहा कि देखिए बॉब का जो किरदार है वो बहुत ही साधारण किस्म का आदमी है, एक कॉमन मैन है। उसकी याददाश्त चली गई है, उसको कुछ याद नहीं है उसके जीवन में हुआ क्या था, और पूरी पिक्चर में ये सब कुछ याद करने की कोशिश कर रहा है वो। लेकिन उसका जो लुक था, वो सुजॉय ने कहा कि उसके जो बाल हैं इस तरह के हैं और वो थोड़ा हट्टा खट्टा मोटा सा है। तो मैंने कहा कि देखिए जी, इन ऑर्डर फॉर पीपल टू बी कन्विंस्ड अबाउट द कैरेक्टर, दे कांट सी अभिषेक बच्चन, दे शुड सी बॉब बिश्वास। तो वेट बढ़ाया कुछ 100-105 किलो का हो गया था मैं। व्हाट? या एंड नाउ यू बैक टू 85। वाओ वाओ, लेकिन बहुत दिक्कत हुई यार। मुझे लगता था कि आसान काम है, खाना खाओ जो खाना है, और इफ यू आई मीन मुझे खाना बहुत ही पसंद है, मैं फुल ऑन फूडी हूँ जी, और मैं नॉर्मल खाना नहीं खाता हूँ, आई लाइक स्ट्रीट जंक फूड। आप मुझे यू नो ये सब सेव भुजिया ये सब दे दीजिए, मैं दिन भर खाते रहूंगा। अच्छा जी, मैं तो डिफेक्टो इन सब नमकीन का ब्रांड एम्बेसडर बनना चाहता हूँ, मैं तो खाते ही रहता हूँ। चित्रांगदा, मैं आपको एक मजे की बात बताऊं, मेरी दोनों वैक्सीनेशन हो चुकी हैं। मैं कह नहीं, पता नहीं ये मैं अपने दर्शकों को बताना चाहता हूं, चित्रांगदा ने होम साइंस में ग्रेजुएशन किया है, फूड एंड न्यूट्रिशन की बात कर रहे थे अभिषेक भाई, तो मेरे को कोई ऐसी रेसिपी बताइए छोले भटूरे की कि जिसको खा के पेट का भटूरा ना बने और लेसेस भी। सही सवाल पूछा, ऐसी टाइप चीज़ें मैं भी जानना चाहता हूँ, प्लीज। मैं भी। गॉड, छोला, अच्छा, तो एक तरीका है जी कि आप बनाएं छोले भटूरे बनाकर, जैसे आप बनाते हैं उसी तरह से, सेम रेसिपी, उसको यहाँ पे टेबल पे रख दो और फिर उसको देखते देखते आप सो जाओ, आप अपने ख्वाब में भटूरा खा लो। अच्छा, लॉकडाउन के दौरान अर्चना जी, आप भी कभी किसी को फोन करो तो बच्चन साहब की आवाज में मैसेज आता है कि मास्क पहने, हाथों को सैनिटाइज करें, घर पर रहें, कोविड प्रोटोकॉल का पालन करें। तो अभिषेक भाई, जब आप किसी अपने दोस्त को फोन लगाते हैं और सामने से बच्चन साहब की आवाज आती है, आप कंफ्यूज नहीं हो जाते कि मैंने पापा को तो नहीं फोन कर दिया? ये एक्चुअली हुआ था। अच्छा, मैं, मेरे एक मित्र हैं गोल्डी बहल जी, मैंने उनको फोन लगाया था और संडी डैड की आवाज आ गई, तो मुझे किसको फोन कर रहा हूं, तो ऐसे हो जाता है कभी कभार। वाह, वो तो छा गए हैं, अभी क्या करें। क्यूट, ऊपर टीवी ऑन करें, या तो आप दिखाई देते हो या वो दिखाई देते हैं। हम लोग अभी गए थे बच्चन साहब के साथ, मैंने देखा खेलने। और मैं आपको बताऊं, हम कुछ दिन पहले वो देख रहे थे शो साथ। अच्छा में, क्योंकि रोज रात को जब वो केबीसी खत्म करके वापस लौटते हैं घर, तो सब परिवार बैठ के एक साथ केबीसी देखते हैं। आई वाज शॉक्ड, यू आर सच अ ब्यूटीफुल सिंगर। अरे थैंक यू, आवाज उनकी बहुत ही खूबसूरत है। धन्यवाद। और मैं आपको ये भी बता दूं, मैं आपकी लाइफ बना दूंगा आज। कैसे? ये भी बहुत ही अच्छी गायिका है। क्या बात कर रहे हैं, बहुत ही। And she loves all old time songs just like you. अरे वाह! मैं तो ये बोलता हूँ देवी और सज्जनों कि अभी सोनी पे आए तो देवी और सज्जनों बोलना ही पड़ेगा। आभार अभिनंदन। मैं आपको बता दूं कि मैं ये चाहूंगा आप लोगों के मनोरंजन के लिए कि चित्रगंधा और कपिल जी दोनों एक साथ एक ड्यूएट गाएं।
इन्होंने अभी राइट है राइट नो का गजल एडिशन जो भी रीमिक्स करके गाया है कम टू मी मैं सोच रहा हूँ मन में कि इसकी ये सुर में कैसे मैच करूंगा अभी एक्चुअली इसकी गजल ही बन सकती है कम टू मी कम टू मी वाह वाह भूल जाए सारा जहां इज अमेजिंग कम टू मी कम टू मी हम बना ले अपनी जगह एक आपका गाना बड़ा मजेदार मैं उसका बनाता हूं कुंडी ना खड़का नहीं ये सुनना है मुझे प्लीज 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 कुंडी ना खड़का राजा सीधा अंदर आवे सॉरी सॉरी यार ये उस्ताद लोगों ने ऐसी ठुमरियां कही है भाई मेरे को पता नहीं चल रहा आपको कॉम्प्लीमेंट दे रहे हो कि क्या कर रहे नहीं नहीं no, बहुत ही अभी दिस इज ब्रिलियंट तो मैं ये पूछ रहा था कि जब ये गाना इतना बड़ा हिट हो गया कुंडी ना खड़का राजा सीधा अंदर आ तो कभी ऐसा कोई क्रेजी फैन आपका आ गया हो तो आपने कहा क्या कर रहे हो तो उसने कहा कि आप ही ने कहा था कुंडी नहीं खड़का नहीं कभी ऐसा कोई आप जितनी ब्ला की खूबसूरत हैं कोई तो आया होगा ऐसे मतलब अच्छा मैं इस स्केल पे बात नहीं कर सकता मेरा शुरू ही यहाँ से होता क्योंकि ऑडियंस रहते हैं अर्चना जी आज हमारे शो नॉर्मली मैं ऐसे ही अच्छा ऐसे बात करता हूँ आप घर में ऐसे बात करते हैं तो मैं यही पूछ रहा था ऐसा कभी ऐसा हुआ है कभी क्या कोई क्रेजी फैन क्या आपके पीछे ही पड़ गया ऐसी आवाज वाला तो नहीं पड़ा आज तक है कोच कुछ तो आए थे तो बात पक्की समझ लें व्हाट इज हैपनिंग Yeah, what is going on here? Actually, I think you and I should chill. I think we should. Haan. Yeah, yeah. हम दोनों चले. आप आप नहीं 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 भाई ऐसे क्या बात कर रहे हैं आप? लग रहा है. निकल जाओ फिर. बेशरम. अच्छा अभिषेक भाई ना बॉब विश्वास में कॉन्ट्रैक्ट किलर बने हुए हैं. हाँ. आप इनकी बीवी का रोल निभा रही हैं. जी. आपको तो वैसे भी बंदूक की जरूरत नहीं है. हाय हाय. आप तो आंख उठा के देख लें तो. कभी ऐसा हुआ कोई हीरो आपके साथ डायलॉग बोल रहा हो और आपकी आंखों में देख के डायलॉग भूल गया हो ऐसा कभी हुआ है आपके साथ नहीं ऐसा नहीं हुआ कीप लाफिंग यू आर लुकिंग वेरी ब्यूटीफुल कीप स्माइलिंग वैसे आई वांट टू से कि आप जब भी ये कहते हैं इतने कन्विंसिंग लगते हैं और ये हर बार कहते हैं और हर किसी को कहते हैं जो यहां पे था इतने अमेजिंग एक्टर हैं और इतने अमेजिंग सिंगर हैं दैट कमाल है आप आई बिलीव यू आई बिलीव यू मुझे लगा था कपिल पाजी कि आज इस मंच पे मुझे आपको कंट्रोल करना पड़ेगा लेकिन लगता है कि आज इन्हें कंट्रोल करना पड़ेगा रोल रिवर्सल हो गया है मेरे साथ ऐसा होता मैं कभी किसी से मतलब कोई तारीफ करूं तो वो आगे से ऐसी बातें बोल रहे नॉटी यू आर मेरा बात खत्म हो जाती है फिर मैंने शादी कर ली कुछ देर और ठहर जाते आप तो पर मैं चाहता हूं कि जब ये एपिसोड खत्म हो जाएगा ना मैं आपके साथ मिलके वो बनानी इंस्टाग्राम रील अरे तौबा क्यों लोग इंस्टाग्राम रील्स बनाते हैं कोई डांस कर रहा है कोई कुछ खा रहा है कोई बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड हस्बैंड वाइफ दादा दादी ये इंस्टाग्राम रील इनसे पूछिए किसके बनाते हैं किसके साथ अपने कुत्तों की जो है इंस्टाग्राम रील बनाते हैं कुत्तों के साथ अपने कुत्तों के साथ नहीं वो कुत्तों से बात करती है उनका कोई रिस्पॉन्स नहीं होता है हाँ तो वो बनाती है शी इज ऑब्सेस्ड शी इज गॉट इसके पास कुछ 10-12 कुत्ते हैं अच्छा और वो her reels are only Bruno Buster how are you Buster why are you okay, doing this Buster Buster don't be a naughty boy Buster hila hi nahi udhar wake up Buster Bruno come to mama Bruno hilega hi nahi wo baat hi nahi mante most disobedient dogs ho sakta hai ye bol rahi hai Buster keh raha ho Buster भाई आप इसमें कॉन्ट्रैक्ट किलर बने हैं कॉन्ट्रैक्ट को हिंदी में क्या बोलेंगे हैं अनुबंध ये एक कौन बोला ये भाई आप वाह अनुबंध कॉन्ट्रैक्ट किलर को क्या बोलेंगे अनुबंधित हत्यारा
अनुबंधित हथियारे का रोल कर रहे हैं आप? अवश्य। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद, आपने हमें अनुबंधित हथियारा, ये बड़ा अच्छा यार कॉन्ट्रैक्ट किलर ने। मतलब उस हिसाब से देख, आप हमारा क्रिएटिव देखो आप। मुझे पता है कुछ ना कुछ नॉटी करोगे तुम अभी। नहीं, नॉटी वाली बात नहीं, मैं कह रहा हूँ कि अगर आपने कॉन्ट्रैक्ट देना हो हमारी इंडस्ट्री में तो वो कॉन्ट्रैक्ट किसको दिया जाए? मैच मेकिंग का कॉन्ट्रैक्ट। एक ही तो है जो जोड़िया बनाते रहता है, करण जौहर। एक्चुअली वो बहुत जोड़िया बनाते हैं। शादी के कपड़ों का कॉन्ट्रैक्ट किसी को देना हो? रणवीर सिंह। पर रणवीर सिंह दुल्हन दुल्हन दोनों के वो पहन सकता है तो ही कैन पुल ऑफ एनीथिंग। संगीत कोरियोग्राफी का कॉन्ट्रैक्ट एक ही तो है हमारे। कौन? ए चलना डांस ठीक से करना है, क्या कर रहा है? One, two, three. गाड़ियों का कॉन्ट्रैक्ट एक ही व्यक्ति है हमारी पूरी इंडस्ट्री में जो गाड़ियां उड़ा सकते हैं, वो है हमारे दोस्त रोहित शेट्टी। रोहित शेट्टी साहब। एक्चुअली बेबी सिटिंग का कॉन्ट्रैक्ट बेबी। ओके प्रभु, दो दो बच्चे तो है। नहीं, एक एक करके हुए, एक एक करके हुए। एक्सपीरियंस आपके पास है, बहुत अच्छा। Okay. लेकिन आजकल शायद अब व्यस्त रहेंगे, पता नहीं, कुछ नए इक्वेशंस बन रहे हैं शो पे। आप इजाजत दें तो मोहतरमा जी, ये कैसी बातें कर रहे हैं? नहीं, आंटी यहाँ बैठी, ये बहुत अच्छी बात है। वहाँ बैठी हुई है माता जी, आप जी, मम्मी, आप देखिए मम्मी जी के सामने। मम्मी ऐसी बातें जब कोई कर रहे हैं, ये कैसी बातें कर रही है? नहीं नहीं, मेरी मम्मी है, इंट्रोड्यूस करना चाहिए यार, ऐसे थोड़ी ना होता है। प्रणाम, मैं आ जाता हूँ। प्रणाम 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 प्रणाम, स्वागत है आपका। So sweet. Thank you, भाई। नमस्ते, मैं आपको बाद में मिलती हूँ। ये अभी छोड़ना नहीं चाहती है। मेरी सारी मैं बाद में मिलती हूँ। कपिल जी आ गए हैं अभी तुम्हें। शादी का वीडियो और रील का कॉन्ट्रैक्ट अगर देना हो तो? अभी तो लड़ाई। ओके। आप दोनों तय कर लीजिए, आप दोनों के बीच में कौन करेगा? अच्छा, हम दोनों मिलके कर लेते हैं। मिलके, हाँ, जॉइंट पार्टनरशिप में हैवी हैंडल दिस। हम दोनों करेंगे, ठीक है? इन दोनों, ओके। हम दोनों, आप बादाम लेंगी? नहीं, पड़े हुए कुछ तो शर्म करो कपिल जी, माता जी वहाँ बैठी हैं। मम्मी, मम्मी जी हंस रही हैं। मेरी एक खासियत है, मम्मी को पूरी हिंदी समझ में नहीं आती है। सारी समझ आती है मेरे को, प्ले खाना रहे। मम्मी कहती कोई भुलेखे में ना रहना। मैंने घर पे पढ़ती है, शो पे आके भी मम्मी से पढ़ती है, उनको सारी समझती हूँ। मम्मी एक बात बताओ, पहले तुम कहती थी कि शादी कर लो शादी कर लो, जब मैंने शादी की बहू के पास एक मिनट भी नहीं बैठती। हाँ जी, सारा दिन तो शूटिंग में बैठी रहती है। तो बैठने नहीं देती, मैं क्या करूँ? कहती जल्दी जाओ शूट। मम्मी कहती बहू मेरे को बैठने नहीं देती, जल्दी शूट निकाल देती है पहले ही। मम्मी ऐसे करती है, पहले निकाल देती है। मम्मी आपका सूट मैच कर रहा है चित्रांगदा के इस कपड़ों से, इसीलिए मैं पहन के आई हूं। मैं ना मम्मी के साथ गया, बच्चन साहब के साथ हमने केबीसी शूट किया सूरत में। वैसे ही बच्चन साहब ने मम्मी से बात कर ली, कहते देवी जी क्या खा के आपने इनको पैदा किया था? मम्मी कहती दाल फुल्का। ओह, थैंक यू मम्मा, लव यू, वेलकम। वही शर्मा, अभिषेक बच्चन, चित्रांगदा सिंह। ओह माय गॉड, सो आई नो आई नो, ये अपना बॉब बिस्वास, राइट? व्हाट अ ट्रेलर, व्हाट अ ट्रेलर। मैंने देखा, बहुत कमाल का ट्रेलर है, आई रियली लव इट। धन्यवाद। मैं अपना तारुफ करा दूं, आई एम रियली सॉरी, माय नेम इज दामोदर जेठमलानी, मैं इस मोहल्ले का वर्ल्ड फेमस वकील हूँ। सिर्फ इस मोहल्ले में या इसी मोहल्ले में वर्ल्ड फेमस है? I'll give you my card, please. ये तो खाली है। There's my card here. ये तो खाली है। हाँ? अरे ये खाली तो प्रिंटिंग बहुत महंगी हो गई है यार आज। इसमें मेरा आइडिया है, मैं आपको बताऊंगा मेरा एड्रेस, और वेरी फ्रेंकली चित्रांगदा जी, मैं कहूंगा
जी आप अपने कोमल हाथों से लिखेंगी तो हमारे बीच एक रिलेशनशिप भी डेवलप होगा। वकील साहब, बादाम वाला डिब्बा खाएंगे मुंह पे? आपने फ्लर्ट करना तो चले जाओ यहाँ से आप। मैं चला तो जाऊंगा लेकिन ये साथ आएंगी। मैं कह रहा हूँ अकेले चले जाइए यहाँ से। यार अकेले ही जाना होता तो मैं फ्लर्ट करता ही क्यों? ये तो वही बात हो गई। कौन सी बात? वही जो हुई। कोई बात तो वही होगी ना जो हुई हुई होगी। अगर हुई नहीं तो फिर बात होगी कैसे? हाँ। ध्यान कहाँ है आपका दोस्त? आप ध्यान दो, नहीं तो मुझे दो केले दो, मुझे भूख लग रही है। वकील साहब देखिए, यहाँ बैठ रहे हैं ना, सिर्फ काम की बात करनी है आपने। नहीं ये गलत है अभिषेक जी, यू टेल मी। मैं अभी यहाँ आके बैठा, मैं सीधे काम की बात करूंगा, आपको नहीं लगेगा कि मैं सेल्फिश हूँ? सेल्फिश नहीं, आप वेल फिश लग रहे हैं। ओ वकील साहब आगे बढ़ो आप, चलो। दिस मैन इज सो स्वीट, वेरी स्वीट, ही इज सो स्वीट, वेरी स्वीट। ये नहीं कह रहे हैं कि मैं आगे बढ़ूंगा, ये कह रहे हैं वकील साहब आप आगे बढ़ो। सो काइंड, ही इज सो काइंड। मैं आपकी एक पप्पी ले सकता हूँ? नहीं बिल्कुल भी नहीं। आप मेरी बेस्ट विशेस नहीं ले सकते, आप पप्पी की बात कर रहे हैं। वो सो स्वीट यार, इसलिए कह रहा था मैं। वैसे हाउ इज अमिताभ बच्चन जी? इज फाइन, स्वस्थ है जी, थैंक यू। और अमिताभ बच्चन जी हाउ आर यू? मैं कहाँ बच्चन साहब हूँ? एग्जैक्टली, आपको पता है ना कि आप नहीं है। तो फिर यहाँ पर हमसे इतने सवाल क्यों पूछते हैं आप? Like really? बच्चन साहब वहाँ सवाल पूछते हैं तो सामने वाले को पैसे भी देते हैं। ये आदमी यहाँ पे मुझसे सवाल पूछते हैं, आपसे सवाल पूछते हैं, सबसे सवाल पूछते हैं और देते कुछ नहीं, सोनी से पैसे लेते हैं। What is this business module? मैं सर कहना चाह रहा था, आप मल्टीपल फिल्म्स करते हैं, आपको कभी भी डेट्स की प्रॉब्लम हो ना मुझे बोलिए। आप क्या करोगे? अच्छा, मैं इनको कोर्ट ले जाऊंगा और वो जज मुझे बहुत डेट्स देते हैं, मुझे नहीं चाहिए। तो सारी डेट्स मैं आपको दे दूंगा। अच्छा। और वेरी फ्रेंकली द बेस्ट डेट्स इफ यू वांट ना, दुबई से मंगाइए आप, क्या डेट्स मिलती है वहां। हजूर मैं दिन में 100 डेट्स खाता हूँ। कहाँ की बात, आप कहाँ ले गए आप? मैं डेट की बात पेट तक लेकर आया। आपकी ये फालतू बातें सुन सुन के वो लड़की के बालों में कुंडल पड़ गए, देखो आप। अरे चित्रांगदा जी, मैं बातों को घुमाता नहीं हूँ। आई एम एन ओपन बुक। और मैं साफ साफ आपसे कहूंगा, यू आर टू ब्यूटिफुल यार। थैंक यू। आपके पापा फौज में थे ना? जी। मेरे पापा मौज में थे। कभी आप ये रिजल्ट देखिए, रिजल्ट देखिए। ऐसे बच्चे प्लानिंग से पैदा होते हैं। एक बार मेरे पापा के हाथ से एक बर्नी टूटी। मेरी माँ मेरे पापा से बहुत रूठी। मेरे पापा का पूरा दिन गया मेरी माँ को मनाने में। कुछ महीने बाद ऐसा बच्चा आया इस जमाने में। वाह वकील साहब, वाह, लानत है आपकी शायरी पे, उससे पहले आपके मुंह पे। वैसे मैं सर आपसे कहना चाह रहा था, इफ यू वांट, अगर आप चाहें तो कल के दिन ही मेरे पास बहुत सारे पैसे आ सकते हैं। कैसे? कैसे? क्रेन मंगाऊं? क्रेन उठना। मार डाला का म्यूजिक लगा दे। पोजीशन तो सही है। मार डाला लग भी सकता है। खैर मैं कह रहा था कि आपके पापा जो केबीसी करते हैं ना, उसके सवाल थोड़े उनकी शूटिंग से पहले अगर मुझे दे दें, और मुझे ज्यादा सवाल नहीं चाहिए, मुझे आप सिर्फ 7 सवाल भी दे दें, 25 लाख रुपए मैं कमा लूंगा। तो 14 सवाल ही पूछ लो, पूछने तो। नहीं, इतनी मेमोरी नहीं है मेरी यार। इतने सारे थोड़ी याद रहेंगे मुझे, ऐसा नहीं हो पाएगा। एनीवे देखो, अगर मेरे
It's okay. Thank you so much. Thank you. बहुत बहुत शुक्रिया आपका. चित्रांगद जी वो देख लीजिएगा. हाँ नहीं आप भी शुरू हो जाइए. नो प्रॉब्लम. मैं तो कबाब में एंट्री हूँ आज. नहीं नहीं चित्रांगद जी आप एक ऐसा नंबर बताइए जो अगर अपने मोबाइल पर मैं डायल करूँ तो आपके मोबाइल की घंटी बज जाए. ये आप इनडायरेक्टली उनका नंबर मांग रहे हैं आप. ओ यार नंबर ही मांगूंगा मैं इनसे. प्लम्बर थोड़ी ना मांगूंगा. मैं रोटी के साथ क्यूकम्बर थोड़ी ना मांगूंगा. देखो मैंने दो चार हंसने वाली बात कर दी. आप चूज करके हंस लीजिए क्योंकि आप हंसती हुई बहुत खूबसूरत लगती है. थैंक यू. इस बात पे एक शेर भी मैं अर्ज कर दूं आपके लिए इफ यू डोंट माइंड. जी इश्क का इजहार. इश्क का इश्क का इजहार कर दिया मैंने. इश्क का इश्क का इजहार कर दिया मैंने. आगे आगे वो करेंगे. मैंने कर दिया. सुपर. वेल सर आई वांट टू टेल यू वन मोर थिंग. जी जी बोलिए बोलिए. आप जो सूट पहनते हैं ना क्या लगते हैं आप यार. मतलब मेरे को आपके सूट पहनने का स्टाइल बड़ा पसंद है. मैंने कल एक सूट पहना. मेरी बीवी ने मुझे डांट दिया. क्यों? उसका सूट पहना ना मैंने. शर्म नहीं आती आपको लेडी सूट पहनते हुए? नहीं नहीं शर्मा ये गलत बात है. कोई भी कपड़ा अपने थान की कोक से लेडीज या जेंट्स पैदा नहीं होता. उसे लेडीज या जेंट्स बनाता है दर्जी. जो बनाता है तो अच्छी बात है भाई. बना है तो दर्जी की मर्जी. मैं जानना चाहता हूँ कि यार ये मनीष मल्होत्रा नीता लुल्ला ये बीच में आके इस कपड़े को इतना महंगा क्यों कर देते हैं. यू टेल मी व्हाट इज द प्रॉब्लम विद गुड्डू टेलर. गुड्डू टेलर इज वंडरफुल. वेरी गुड सर. 450 रुपए में क्या सिलाई करता है गुड्डू टेलर. ओहो दिस इज आल्सो गुड्डू टेलर. अच्छा गुड्डू टेलर. वकील साहब आप फालतू बातें कर रहे हैं. आप काम की बात कर रहे हैं कोई यार. गुड्डू टेलर को फालतू नहीं कहोगे तुमने. मैंने आपको फालतू कहा है. गुड्डू टेलर इज ए टैलेंट. गुड्डू टेलर आई लव यू. चार बट्टा पांच रेलवे फाटक के सामने गुड्डू टेलर. वैसे सर मुझे एक बात बताइए. कबड्डी की टीम है ना आपकी. जी हाँ. जी सर वेरी नाइस. मेरा भी ना हमेशा से सपना था कि एक दिन मैं भी कबड्डी का प्लेयर बनूं. बने क्यों नहीं फिर. पर एक दिन के सपने के लिए इतना मेहनत कौन करे यार. सपने का क्या है. सपने तो आते जाते हैं. कुछ भी सपना आ सकते. जैसे कल मुझे सपना आ गया कि मेरे पास स्कूटर है. अच्छा तो आपके पास स्कूटर नहीं है. एक भले आदमी ने मुझसे कहा क्या लेके आए थे क्या लेके जाओगे. अब जिस आदमी ने ये कहा ना वही मेरे घर पे आके मेरा स्कूटर ले गया. वकील साहब हो गया आपका ऑलमोस्ट. सर आई शेयर अ सीक्रेट विथ यू. इट्स अ सीक्रेट. ये जो जगह आप देख रहे हैं ना ये पूरा ये सेटअप ये स्टेज एंड ऑल अगर ये लोग चाहते तो ये स्टेज को यहाँ तक भी बना सकते थे. कि हम लोग यहाँ बैठे हैं इतना बड़ा आगे तक बनाने की क्या जरूरत थी. है कि नहीं. आपको पता है इन्होंने इतना आगे तक स्टेज क्यों बनाया है. जी नहीं. ताकि एक दिन जब आप दोनों यहाँ पर आए तब आप दोनों मेरे साथ यहाँ पर डांस करें. इसलिए बना. So if you don't mind. I mind. देखिए वकील जी you are very very polite. Thank you. Very sweet. Thank you. मैं जानता हूँ कि आप नाचना चाहते हैं इनके साथ. मुझे दहेज में मत ले जाइएगा. मुझे कोई आपत्ति नहीं अगर मैं यहाँ बैठा रहूँ. मैं बैठ के आपका जो नृत्य है उसका लुत्फ मैं उठाऊँ. आप दोनों प्लीज. You are a gem. I am a gentleman. मैम आप आ जाइए. थोड़ा थोड़ा एक थोड़ा सा
आपको 9 साल लगे कपिल शर्मा के शो पे आने में, अभी पूरा टैक्स भरिए आप। बड़ा मजा आया, मुझे बड़ी खुशी हुई। नहीं है मिली यू, मैं कल का, मैं कल का चलो, ओके चलो भाई, सुपर। अभिषेक भाई, आप तो सोशल मीडिया पे हो, आप भी सोशल मीडिया पे हैं, आप जब कभी अपने फैंस के लिए कोई फोटो वगैरह डालते हैं या कोई प्रोमो डालते हैं, आपको पता है हमारी हिंदुस्तान की जनता बड़ी क्रिएटिव है, बड़े मजेदार कमेंट्स करते हैं। आपके पास टाइम नहीं होता, हमारे पास वी हैव अ ह्यूज टीम ऑफ ए वन पर्सन जो ये सारे कमेंट्स पढ़ते हैं और फिर यहाँ पे लेके आते हैं। मैं आपको दिखाना चाहता हूँ, प्लीज हैव ए लुक। ये अभिषेक भाई ने फोटो डाली है, लुक्स लाइक द रिक्शा वालाज ऑफ जयपुर सपोर्ट द जयपुर पिंक पैंथर्स, हैशटैग रोर फॉर पैंथर्स। ओके चलिए, तो कमेंट्स पढ़ते हैं। आपकी टांगे इतनी लंबी हैं, पीछे की सीट पे बैठ के भी चला सकते हैं। किसी ने लिखा, वाह रे पेट्रोल, तेरी वजह से बड़े बड़े लोग सीएनजी वाली गाड़ी पे आ गए। और दिखाइए। आपको तो स्टेशन पर सबसे आगे रिक्शा लगाने को मिल जाता होगा, क्योंकि बच्चन जहां खड़े होते हैं लाइन वहीं से शुरू होती है। सर जी, मैं कांदीवली में रहता हूँ, जयपुर से आते हुए घेवर लेकर आना। मैं आपसे कलेक्ट कर लूंगा। और दिखाइए। योगा डे एवरीडे और ब्रूनो। अच्छा, और पीछे कौन है? वो ऐसे घोड़े हैं। ये कहाँ की फोटो है? चित्रांगदा पहलगाम। कौन सा वाला, बक्सर कौन सा इनमें से? बस्टर पीछे वाला है, ब्रूनो आगे वाला है जो कभी नहीं सुनता। बहुत बड़े प्यारे हैं। दिखाई भी नहीं सुन रहे थे इसलिए वो पीछे जाके बैठ गए। पीछे जो घोड़ा खड़ा ना, उसने मुंह उधर कर लिया, कहता जिंदगी तो कुत्तों की है। कमेंट्स पढ़ते हैं, आइए नीचे। ओह दिस इज गोइंग टू बी क्लासिक। मैडम, पर्स में एक पैसा नहीं, लेकिन आपकी फोटो रखता हूँ और खुद को धनवान समझता हूँ। उसको आगे रिप्लाई भी आया किसी का कि फिर तो पर्स भी तुमने किसी का मारा होगा। मारा होगा। वाह मैडम, आपके तो कुत्ते भी फोटोजेनिक हैं। और दिखाइए। So sweet. Actually, वो कैमरा की तरफ देख के खिंचवा रहे हैं फोटो, देखो आप। So cute. कुत्ते की जगह आप मुझे साथ बिठा लो, कितनी भी फोटो खींचे हो मैं आप ही को देखूंगा। ये कमाल है। मैडम, आप हमें कुत्ते धोने के लिए रख लो। मेरे पास 3 साल से भैंस धोने का एक्सपीरियंस है। आप मेरे पति को योगा सिखाएंगी क्या? आपको देखने के चक्कर में शायद वजन कम कर भी ले। और दिखाइए। इन बिटवीन टेक्स आई एम शूटिंग द ब्यूटीफुल ट्रैक चोंच लड़ियां। चलिए जी, मन मर्जिया के टाइम की ये फोटो है, आइए कमेंट्स पढ़ते हैं। ओए इतना लंबा कमेंट। सारी सब्जियों को छोटे टुकड़ों में काटें और धो लें, फिर कढ़ाई में थोड़ा तेल डाल के जीरा प्याज डालें, फिर आलू और फलियां डाल दें और ढक दें। थोड़ी देर बाद स्वाद अनुसार नमक मिर्च हल्दी और धनिया डाल दें, सब्जी तैयार। प्यार से परिवार को परोसे, मैंने रेसिपी बता दी है, अब बैठे ना रहे, सब्जी बनाए और खाए। और दिखाइए। अभिषेक भी लाइक, एक दिन खाना बना के क्या खिला दिया, रोज ही मुझसे बनवाने लगे। पाजी आपने क्या पजामे के कपड़े से खटिया बनाई है? कहा था ना अनुराग के साथ काम मत करो, ये गरीब बना के छोड़ता है।
कैच। दिखाइए और। वो अनुराग यार। अब आप सामने हैं तो कुछ भी नहीं है याद, वरना कुछ आपसे हमें कहना जरूर था। ओह उमराव जान, दिखाइए कमेंट्स। हाँ ये अभी प्यार से पढ़ना अभी। हाँ जी, आप सामने आओ तो हम भी वादा करेंगे। आप सामने आओ तो हम भी वादा करेंगे आपको, सीधा चलेंगे तुम्हारे घर, छोड़ के अपने बाप को। अच्छा उसकी पोएट्री करी है। फोटो खिंच गई हो तो कुर्सी छोड़ दो, दादाजी खड़े खड़े थक गए। एक्चुअली ये कुर्सी होती थी ऐसे ना पहले। ऐसी कुर्सी हमारे घर में भी होती थी, हम बड़ा उसमें ऐसे उंगलियां करते रहते थे, बड़ा मजा आता था। केन के अंदर। इतने प्यार से मत देखो, फिर हमें अपनी लुगाई को प्यार करना पड़ेगा। आगे दिखाइए। बस अच्छा। फोर डेज 2102 नॉट आउट। ओके पाउट गेम स्ट्रॉन्ग। जी कमेंट्स दिखाइए। बिग बी बी लाइक बुड्ढा होगा तेरा बाप। लगता है ब्लैक एंड व्हाइट आपके फेवरेट कलर हैं। आपकी दाढ़ी काली और कपड़े व्हाइट। अमित जी की दाढ़ी सफेद और कपड़े काले। सेम टू सेम, हमारी बीवी जब घर पे नहीं होती हम भी ऐसे ही खुश होते हैं। That's a good one, I have to say. और दिखाइए। चित्रांगदा, मी मार्चिंग इन टू कोरोना फ्री टाइम्स। ओके उदयपुर की। ओके दिखाइए कमेंट। वाह बड़ी ब्यूटीफुल पिक्चर है। Very nice. Okay. पीछे वाले भाई साहब की 60 साल की नौकरी में आज सबसे बढ़िया दिन है। This is really embarrassing. इसे कहते हैं ऊपर वाले की प्रीमियम कलेक्शन। वाह अंकल भी लाइक, धीरे चल पगली, घुटने का ऑपरेशन हुआ है। This is... This और दिखाइए। become famous now. ये सच में कमेंट्स हैं? हाँ really. नहीं सीरियसली जनता के होते हैं। Really? बुढ़ापा सिर्फ जवानी के सपने देख सकता है, उसे पकड़ नहीं सकता। चित्रांगदा, आपकी जैसी लड़कियों की वजह से लोग 70 में भी रिटायर नहीं होते। ओके और ओह फिनिश। ये सबसे मजेदार सेगमेंट लगता है मेरे को। It was fantastic. It was really funny. पर अब क्या हो गया है? जब से हम लोगों ने ये सेगमेंट ऐड किया है ना अपने शो पे, अब लोग बहुत मात्रा में करने लगे हैं। Oh, really? और अच्छी बात है कि फनी कमेंट्स लिखते हैं। या नो इट्स ग्रेट, इट्स ब्यूटी, क्यूट वंस। लव यू बड़े लोग, बड़ो लव यू गाइस, बड़ो लव यू जगो, अर्जो यस, मेरा बच्चा है तू, कपिल मेरा बच्चा है तू, बहुत बहुत धन्यवाद, एबीजी मेरा बच्चा है तू, चित्रा जी आपका बाबू मैं। क्यों ये आपकी बच्ची नहीं है? बड़ो मैं बहुत शाड़ा हूँ, मेरे को मालूम है किसको बच्चा बनाने का है और किसका बाबू बनने का है। बड़ो लव यू बड़ो, आज बहुत खुशी हो रहा है बड़ो मेरे को, आज अपने शो पे बड़ो ए बी सी आई ले, मतलब अभिषेक बच्चन चित्रगंदा। दादा चित्रांगदा। हाँ चित्रांगदा चित्रांगदा। चलो दीना दिंदा खत्म करो यार। शेख भाई ये हमारे मोहल्ले के नकली जग्गू दादा हैं। नकली क्या होता है, मैं क्या कलर छोड़ता हूँ क्या? बड़ो लेकिन जो भी है, आज बड़ो मेरा सपना पूरा हो गया बड़ो। इतने बड़े फैन है आप शो के? नहीं नहीं फैन वैन कुछ नहीं, पिछले एक हफ्ते से दो दो घंटा सो रहा था, कल रात को 10 घंटा सोया ना, मेरा सपना पूरा हो गया ऐसा बोल गया। खैर बड़ो अपना भी सपना पूरा हो गया बड़ो, बहुत काम किया हम लोगों ने अपना धूम 3। क्या बात है बड़ो, धूम 3 में मैंने आमिर खान के बाप का रोल किया बड़ो जी। लेकिन दो तीन सीन बाद मेरे को ऐसा रियलाइज हुआ कि आमिर खान मेरा बाप है। क्यों? ये क्या बोल रहे हैं आप? तूने पिक्चर नहीं देखी क्या?
देखिए चार सीन बाद में मर जाता हूँ, पूरी पिक्चर में वही चीरो है, बाप निकला ना बेटा। अच्छा दादा करने क्या है आप यहाँ? करने वाले हम कौन होते हैं बेड़ो? हाय हाय बेड़ो, लोग जिंदगी में बोल बच्चन ज्यादा नहीं देने का, बोल बच्चन से किसी को ज्यादा फायदा नहीं हुएला है, सिर्फ दो ही लोग को हुएला है, एक रोहित सर और एक एबी सर, हमारे दोनों को हुएला है, कृष्णा का भी कुछ करो कब तक जग्गू बन का ऐसा ऐसा करता रहूंगा मैं। दादा बताओ तो सही, करने के आए हो आप? एक्चुअली बड़ू मैं एबी के साथ बहुत काम किया बड़ू लाइफ में, तो मैं चाहता हूँ मैं अभी एबी को डायरेक्ट करूँ बड़ू। क्या है? तो मेरे पास एक सब्जेक्ट है, तो आप चाहो तो मैं सुना सकता हूँ। सुना दो स्टोरी पटा। नहीं दादा सुनाने की जरूरत नहीं है। नहीं 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 सुनाऊंगा तो मैं... दे हम पहुंच जाएंगे शूटिंग पे। नहीं 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 सुनाऊंगा पैसा काट लेंगे लोग। तो मेरे को सुनाना तो पड़ेगा, बहुत मेहनत से लिखा रात भर जाग के इसने। तो पिक्चर का स्टोरी ऐसा है, हीरो एक आदमी है, ये वो खड़ा है इधर, मैं ऐसा पासा होता है ना ऐसा डाइस वैसा फेंकता हूँ, छह नंबर आता है, वो हीरो ऐसा छह नंबर पे चलता है, फिर सीढ़ी पकड़ता है, फिर पीछे आता है, फिर सीढ़ी पकड़ता है, फिर उसको सांप काट लेता है। ये तो सांप सीढ़ी है। जब वो लूडो कर सकते तो सांप सीढ़ी क्यों नहीं कर सकते? खैर बड़ू, लेकिन मैं सबको एक ही चीज बोलूंगा बड़ू, पेड़ लगाने का। पेड़ लगाना बहुत अच्छा पर्यावरण के लिए, बहुत अच्छा रहता है बड़ू। पेड़ लगाने से ऑक्सीजन मिलता है, फल मिलता है, घी मिलता है। घी कहाँ मिलता है पेड़ तो से? सब पेड़ से ही लेगा क्या? इतने स्पॉन्सर है, घी मंगाना किसी से बेड़ू? एक मिनट बेड़ू माई, एक मिनट फोन आ गया बेड़ू माई। हाँ टाइगर, तू क्या लेट बजा रहा है, इतना उठा लिया ना? क्या क्या एक तो दिख रहा है उठा लिया फिर भी बजा रहा है। आ बेड़ू लोग ये लोग। हेलो हाँ टाइगर, क्या तेरा जूता नहीं मिल रहा है? अरे वो जो मेरा नया गुलाब का पेड़ है ना, वो तेरे जूते में ही लगाया मैंने। हाँ वो पहन के जा, चल बेड़ो। ओके ओके बेड़ो। दादा जूते में कौन लगाता पेड़? अरे ये तो कुछ नहीं, मैं कहीं भी पेड़ लगा लेता हूँ। पता है परसों एक आदमी सो रहा था ऐसा मुंह खोल के। मैं उसका मुंह में मिट्टी डाला और आलू का पेड़ उगाया। दादा आलू तो जमीन के नीचे। मेरे को मालूम था तू ऐसे ही बोलेगा, फिर मैं वो आदमी को जमीन के नीचे गाड़ के आया। खैर बड़ू मैं आपका भी बहुत बड़ा फैन हूँ, बहुत फिल्में देखा आपकी, वो पिक्चर देखा था मैं करोड़ों ख्वाहिशें ऐसी, हजारों ख्वाहिशें ऐसी। अरे जब हीरोइन इतनी खूबसूरत हो ना तो ख्वाहिशें हजारों नहीं करोड़ों पे पहुंच जाती है बड़ू। खैर मैं बहुत अच्छा लगा बड़ू इधर आके, मैं चलता हूँ, मेरे आने का टाइम हो गया है। दादा जाने का टाइम होता है, जिधर जाना है ना उधर आने का टाइम हो गया बड़ू। मैं चलता हूँ, बॉब विश्वास के लिए आप लोगों को गुड लक, पिक्चर सुपर हिट होंगे अपनी जवानी में। दादा थैंक यू, लव यू, लव यू, थैंक यू। अभिषेक भाई आपको तो पता ही है, अफवाहें हम लोग हमेशा कंफर्म करते हैं सामने से, सेलिब्रिटीज के बारे में अफवाहें उड़ती रहती है तो हम नहीं मानते, हम सामने पूछते हैं। तो चित्रांगदा आपके बारे में एक अफवाह उड़ रही थी, उड़ते उड़ते हमने पकड़ी। अफवाह ये कि आप कॉलेज के वक्त 40 चोटियां करती थी और बैग की जगह बाल्टी में बुक्स लेके जाती थी। ये बिल्कुल सच है, 100%। 40 चोटियां? 40 चोटियां डीयू में जब रैगिंग पीरियड चलता था, हम हॉस्टल में थे। अच्छा। तो हॉस्टलर्स की ज्यादा होती थी, उसमें सलवार कमीज पहन सकते हैं एंड वो भी उल्टा, और बैग नहीं यूज कर सकते, सारी आपको बुक्स बाल्टी में ले, जो भी आपको एक वो जो बाल्टी मिलती है हॉस्टल में उसके अंदर बुक्स जाती हैं, और तेल लगा के 40 चोटी चोटी। ओह माय गॉड। अगर 40 नहीं है और किसी सीनियर ने पकड़ लिया, काउंट कर लिया, देन दे वुड लाइक जो भी करेंगे एंड देयर लाइक, अगर हम पकड़े आपकी चोटी तो तेल निकलना चाहिए, निकलना चाहिए उसमें से, सो बाल अच्छे हो गए, कुछ फायदा हो गया। देखो भाई हमारी सारी अफवाहें झूठी नहीं होती, कई कई सही भी होती हैं। शाबाश भाई, आपके बारे में एक अफवाह है कि आपका नाम गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में शामिल है। रियली? कैसे कैसे? दो बार। कैसे? मैंने एक फिल्म बनाई थी दिल्ली 6 जी, और उसके प्रमोशंस के लिए गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स में मिला था,
of maximum amount of public events attended in 12 hours or 24 hours. कितने, we कितने did, I think, 8 in 8 different cities. Baap re. Wow. And second? Second, मैंने सुना है कि dad and I are in it for the only real life father and son who have played father and son in reverse order. Okay. क्योंकि हमने फिल्म जो बनाई थी पा, उसमें मैं पा के पा का रोल कर रहा था. बड़ी खूबसूरत फिल्म थी भाई. Yeah, I love that. चित्रांगदा, एक अफवाह ये है कि इस फिल्म मैं एक सवाल पूछूं. जी जी सर. ओके. अभिषेक पाजी, आपने एक अफवाह सुनी है कि आपने रिकॉर्ड. चित्रांगदा, मैं आपसे एक सवाल पूछूं. ये बिल्कुल सही पकड़ा. माता जी, ये क्या पता क्या, क्या रहा है? ट्रेनिंग. हाँ, अभी करो. नहीं, मैं चित्रांगदा, एक अफवाह है कि इस फिल्म में आपने ऑर्डिनरी लुक इसलिए रखा है जिससे सबका ध्यान आप पे नहीं, कहानी पर रहे. इज इट ट्रू? मैं आपको बता दूं, जो मेरा कैरेक्टर है, द फर्स्ट टाइम जब सुजॉय मेरे पास आए और उन्होंने कहा कि तुम्हारा जो रोल है फिल्म के अंदर, वो एक ऐसी लड़की है जिससे हर कोई शादी करना चाहता है, तो यू हैव टू बी दैट वुमन. मतलब मेरी, मेरा जो कैरेक्टर का नाम है, is the woman that every man wants to marry. Achha, director bhi flirty hai. Okay. So, ab itna, I don't know, unka kya idea tha ki sab kuch bahut hi, par aapko bahut simple laga. Nahi, aapko pata hi nahi, simplicity mein itni khoobsurti dikh rahi hai. Haan, to ye idea tha, haan, fir. Bhai, yehi to baat hai. Bhai, aapne goliyan badi chalai hain, Bob Biswas mein. आपको आज लाइव करने का मौका मिलेगा. आपको भी मेले में तो गए नहीं होंगे, आई एम श्योर. बहुत बार गांव वाले मेले लगते हैं. हाँ जी. वो जहाँ पे वो बैलून फोड़ते हैं, तो आज आपको फिर याद दिला देते हैं मेले की. और लेके आइए फटाफट. 10 में से जिसने ज्यादा बार बैलून बस्ट किए उसको मिलेगा बहुत सारा प्यार. पैसे तो देखिए, मुंबई में ज्यादातर मेले नहीं लगते, लेकिन हम लोग जब जुहू चौपाटी पे जाते थे बचपन में, वहाँ ऐसे सब करें. आप देखो भाई, इसके डेडिकेशन देखो शोक के पीछे. अर्चना ने सारी रात जाग के गुब्बारे फुलाए. आइए, लेडीज बंदूक. कौन सी है? You'll do better than ladies, please. कोई भी दे दो ना, मूंग की दाल डाल के दीजिए. अच्छा, आपके पास दो ऑप्शन है, पिंक या ब्लू. पिंक या ब्लू? पिंक. दादा, दूसरी बंदूक भर के रखो, साथ में निशाना है. Well, भरते रहना जैसे जैसे खाली हो. सीधा मार दो ना. ये वाली गन. She's got an advantage. She's an army brat. तीन निशाने में से दो अभी तक इनके लग चुके हैं. चार में से दो, पांच पांच ही मिलेंगे. अभी क्रिएटिव चेंज हो गया. बस पांच में से दो अभी लगाए हैं. बहुत बहुत धन्यवाद. अभिषेक भाई, आप अपनी मर्जी का कलर चूज करो. कौन सा? दो गिरा दिए, टूटा एक भी नहीं. दो गिरे हैं नीचे. How many did he get? Nah. ये वाकई में दाल है यार. हाँ. Actually, better chance. दादा, इसमें काम करो फिर आप. हल्का हल्का प्याज काट के ना. हाँ. थोड़ा सा तड़का लगा के और सूखी सूखी दाल बनाना. दर्शना जी को दे देना, ठीक है? एक मेरे को भी दो, भर के दो, मैं भी लगा के रखूं. कपिल, तू ट्राई कर ना. कपिल, तू भी ट्राई कर. अरे ओके. मैं लाइट ग्रीन. जय भवानी. अच्छा, बस ठीक है दादा, थैंक यू, शुक्रिया. दाल इतनी दूर जाएगी, उससे आगे नहीं जाएगी. तो इसका नतीजा कोई निकला नहीं है? नहीं नहीं. कौन जीता? क्योंकि वो तूने बोला था जो भी जीतेगा उसे ढेर सारा प्यार मिलेगा. वो तो ऑलरेडी मिल रहा है. Exactly. दोस्तों, जैसे आप सब जानते हैं कि बॉब बिस्वास में अभिषेक भाई जो किरदार निभा रहे हैं बॉब बिस्वास का, उनको भूलने की प्रॉब्लम हो जाती है.
मैं आप दर्शकों में से जानना चाहता हूँ कि आपके साथ कभी ऐसा हुआ है कि आप कभी कोई भूलने की वजह से कोई आपका काम खराब हो गया हो या कोई फायदा भी हो गया हो, आप अपने किस्से डिस्कस कर सकते हैं। जी सबसे पहले कौन आ रहा है भाई, सबको माइक दीजिए। हेलो कपिल सर। हेलो। हेलो अर्चना। हेलो अभिषेक सर। हेलो चित्रंगन मैम। मेरा नाम है उमेश साहू, मैं छत्तीसगढ़ बिलासपुर से हूँ। अच्छा जी। भूलने की बोले तो गाँव में हम लोग तालाब में नहाने जाते थे। अच्छा जी। तो हम लोग दोस्तों लोग मिल के जाते थे, तो फिर वापस आते थे, तो हम लोग कच्चे को सर में रख के घर वापस आते थे। पहन के नहीं आते थे? नहीं, जो हाँ। जो पहन के नहाते थे। अच्छा। उसको कच्चे को सुखाते हुए आते थे घर। तो एक दिन क्या हुआ कि मेरी बहन के लिए लड़के वाले देखने आए थे, तो मेरे को बुलाने आ गए, तो हम लोग दोस्त लोग साथ में थे, तो मेरे को जल्दी जाना था, तो मैं वैसे चले गया और मैं भूल गया कि कच्चे मेरे सर में है, और मैं जाके प्रणाम कर रहा हूँ सबको, और मेरी मम्मी फिर धीरे से मेरे को खींची और मेरे को मारी, फिर कच्चे निकालने के लिए बोले, और वो लड़के वाले बोलते हैं कैसा आदमी है करके, फिर बोले कि सर पे कच्चे डाल के घूम रहा कैसा लड़का है, कैसा लड़का है। वही था कि उसके बाद से मैं कभी ये नहीं थी कुछ भी करने से पहले मैं एक बार चेक कर लेता हूँ कि कुछ बोला। बहुत बार ऐसा होता है, कई बार आप अपने कमरे में जाते हो कुछ बोलने ना, फिर सडनली जाके आप, मेरे साथ ऐसा बहुत बार होता है, मैं अपने जब बैठा होता हूँ अपनी टीम के साथ ना, तो बीच में से कोई काम करने जाता हूँ अंदर, जाकर कमरे में से गिनी, हाँ सब ठीक, हाँ भूल जाता है आदमी, पर ऐसा कच्चे वाला काम मेरे साथ कभी नहीं हुआ। सोचो आप घर में बहन को देखने वाले हैं रिश्ता, और आदमी कच्चे वाला प्रणाम, तो इंप्रेशन क्या पड़ा होगा। चलिए बहुत बहुत थैंक यू, धन्यवाद। थैंक यू सर। हाँ और कोई हमारे दोस्त? जी मैम माइक। अच्छा। नमस्ते, आई एम गौरी, आई एम फ्रॉम मुंबई, एंड मैं 8 साल से मैरिड हूँ, और ये किस्सा मेरे हस्बैंड के बारे में है। ओह गॉड। सो साल भर साल वन थिंग दैट आई हैव नोटिस्ड इज कि उसकी भूलने की जो आदत है वो बढ़ती जा रही है। अच्छा जी। अभी रिसेंटली उसने किया है, लाइक आई रीच्ड होम एट 6 PM, एंड वो लिफ्ट के पास खड़ा है, बिल्कुल हैरान परेशान सा है, एंड किसी से फ़ोन पर बात कर रहा है, एंड देन आई आस्क हिम क्या हुआ चंदन, क्या हुआ, व्हाई आर यू सो स्ट्रेस्ड, इज लाइक मैं मुंबई पुलिस को कॉल कर रहा हूँ। क्या हो गया? नहीं नहीं मैं अभी ट्वीट भी डालने वाला हूँ। क्या हुआ? रिलैक्स, टेक अ ब्रीथर, क्या हुआ? एंड इज लाइक अरे अपनी गाड़ी पार्किंग में नहीं है, सुबह निकला था तो गाड़ी थी। आई सेड गाड़ी नहीं है मतलब? याद करो बैठो नीचे, कहाँ गई गाड़ी? कहीं कहीं गए थे क्या? हाँ मैं सुबह मॉल गया था। कैसे गए थे? गाड़ी से गया था। सर आए कैसे वापस? ऑटो से वापस आ गया। ये तो फिर भी ठीक है, इन्होंने हद कर दी। एक दिन मेरी मॉम को पिक करने जाना था स्टेशन, मेरी मॉम को मिस करके आ गए वहीं पे, 1 घंटा पहले निकले थे, पता नहीं स्टेशन पहुंचे ही नहीं। अच्छा। एक 1.5 घंटा बाद मॉम ऑटो से घर आई, बिल्कुल हैरान परेशान, किसी और की मम्मी को तो नहीं खा लाए? नहीं नहीं खाली हाथ ही आए, पर इनको याद ही नहीं रहा कि स्टेशन जाना है, शायद फोन आ गया। आपको एक अंदर की बात बताऊं, कभी आदमी लोग ना जानबूझ के भूमिका बनाते हैं पहले कि 1-2 बार ऐसे भूलूंगा, 3rd बार किसी और के साथ जा रहा हूँ, पत्नी देखना अरे आप मेरी वाइफ तो ये कौन है। थोड़ा एक दिन किसी और के बच्चे को उठा के लाए थे घर, मैंने बोला था ओजस को लेके आओ, नीचे है गेट पे है, बस पिक करके ऊपर ले आना है। किसी और के 20 मिनट बाद घूम के उसको लेके आया, और मेरा बेटा सिक्योरिटी गार्ड के पास बैठा हुआ था। तो किसके बच्चे को उठा लाए? नेबर का, किसी का था मतलब, आई वाज नेम सोसाइटी तो पता नहीं। ऐसे कैसे हो गया? तो है मतलब अभी क्या। अच्छा आप साथ ही हैं? यही है चंदन जी। अच्छा ये भाई साहब से मैं मुखातिब होना चाहूंगा, भाई साहब क्या किसी का बच्चा कैसे उठा सकते हैं आप? एवरीवन, नहीं नहीं मैं अपने बच्चे को भूल गया, दूसरा बच्चा पटाखे के लिए मेरे पीछे आ गया था, तो इसने इसने नैरेटिव चेंज कर दिया। अच्छा मैं अपने बच्चे को भूल गया, दैट्स अ फैक्ट, बट दूसरा बच्चा पटाखे के लिए, अंकल पटाखे दो पटाखे दो। अच्छा। ये सब ठीक है चंदन जी, हम जानना चाहते हैं मॉल किसके साथ गए थे? देखो मॉल तो अकेले गया, बट वी वेरी फ्रैंक, बट हाँ थोड़ी बहुत प्रॉब्लम है, बट यहाँ शादी के बाद थोड़ा बढ़ गया है। इसके बेनिफिट्स भी है, जैसे कभी कभी बार बार कॉफी मांगते हैं, देन आई एम लाइक चंदन कॉफी तो पी चुके हो आप, दिस इज लाइक हो चुका है, घर में किसी से भी गलती हो गई हो, इनके बच्चे से भी हो जाओ मेरे सर पे, नहीं नहीं तुमने ही तोड़ दिया, तुमने करा था परसों, तुमने कहा इनका बच्चा नहीं आप दोनों का ही है। सॉरी भूल गए, भूल गए। बहुत बहुत धन्यवाद। बॉब विश्वास वो देखना ना भूलिएगा आप, ठीक है? बड़ी मजेदार कमाल की फिल्म, एक बार जोरदार तालियां हो जाए। What the hell is going on? क्या चल रहा है इधर? What is going on? मैंने तुम लोगों को बोला था लेफ्ट साइड से एंटर करने के लिए, तुम लोग राइट साइड से आए हो। What is going on? अर्चना लुक एट दिस यार।
हाय अभिषेक, हाय चित्रा के साथ तुम लोग से मैं बाद में बात करती हूँ. व्हाट आर यू डूइंग सेक्सी लेडी ऑन द फ्लोर? बाद में बात करती हूँ तुमसे. एंड यू धनुष, व्हाट वर यू डूइंग? व्हाट इज दिस? पोछा मार रहे थे तुम? बाद में बात करती हूँ तुमसे. एंड यू, हेलो मिस इंडिया, आई टॉक टू यू लेटर. ओ गॉड, सबसे अगर मैं बाद में बात करूंगी तो अभी किससे बात करूंगी? अच्छा, गेस्ट से बात करनी है. चलो 5, 6, 7, 8, गेट आउट फ्रॉम योर, गेट आउट. ओ गॉड, हाय अभिषेक, लॉन्ग टाइम नो डांस. यस फारबिया, हाय चित्रंगदा, लॉन्ग टाइम नो डांस. हाय कपिल, लॉन्ग टाइम डोंट डांस प्लीज. भाई ये हमारे मोहल्ले की नकली फरा खान है. अच्छा, नकली फरा दिख रही है, अच्छी फरा नहीं दिख रही है. चलो जोरदार ताली बजाओ फरा खान के लिए. कम ऑन यार. लेकिन फरा जी, आप इधर करने क्या आई हैं? अरे वो बाजू में डांस रियलिटी शो का शूट था ना, दैट्स व्हाई आई एम योर, यू नो. जज कर रही हैं आप? नहीं, जज मैं नहीं कर रही हूँ, जज तो गीता माँ ही कर रही है. मैंने वो केटरिंग का बिजनेस शुरू किया ना, मेरा यखनी पुला बहुत चलता है वहाँ पर, यू नो. तो आजकल आप फिल्म भी नहीं कर रही हैं कोई? ऑफ कोर्स फिल्म कर रही हूँ मैं ना, वो बना रही थी मैं ऊना टू. अच्छा. तो मैंने शाहरुख को फोन किया एंड शाहरुख सेड मैं नहीं ऊना. मैं नहीं ऊना. ओ गॉड, इज अ वेरी नाइस टाइटल यार. एक मिनट ना, मैं राइटर को फोन करती हूँ. 5, 6, 7, 8. हेलो. हाँ राइटर. अच्छा क्या कर रहा है? बिरयानी बनाना है. वेरी गुड. अच्छा एक काम कर, एक फिल्म लिखनी है, टाइटल है मैं नहीं हूं ना. हाँ, उसके आसपास कुछ लिख दे. ओके चलो बाय डार्लिंग. वैसे चित्रांगदा, यू हैव टू कम टू माय हाउस एंड यू हैव टू हैव माय बिरयानी माय डार्लिंग. तुम्हें तो जरूरत है, प्लीज कम, प्लीज खाओ मेरी बिरयानी. हाउ स्वीट, आप उनको अपने घर पे इनवाइट कर रही हैं? नहीं, इनवाइट इनवाइट कुछ नहीं होता है. बिरयानी 125 रुपए प्लेट. जीएसटी अलग से मैं ले लेती हूँ, क्योंकि देखो दोस्ती अपनी जगह होती है और धंधा अपनी जगह होता है. वो समझ नहीं रहे थे. वो कहते हैं कि नहीं, डायनासोर सालसा करेगा तो कैसा लगेगा. एक्चुअली ना, मुझे कथक कराना चाहिए था. यू, व्हाट डू यू थिंक चित्रांगदा? गुड आइडिया. कथक इज बेटर. नो या आई थिंक, बट एक्चुअली व्हेन यू हैव द टेल, नो इट्स वेरी डिफिकल्ट टू टैन 9 इट, इट्स गुड. बट हमने तो सुना आपने शकीरा को भी डांस सिखाया. ऑफ कोर्स शकीरा को डांस, क्या मैंने बिरयानी बनानी भी सिखाई है. ओह गॉड, बिरयानी. यस, आई शो यू. मैंने उसको बोला एक हाथ में राइस ले, फिर एक हाथ में चिकन ले, फिर उसको धीमी आंच पर पका, फिर अच्छे से हिला 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 हिला, और तेरी बिरयानी तैयार. सुपर. अभी वो बिरयानी इतनी अच्छी बनाती है कि वो बिरयानी बेचती भी है, पता है? लरा 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 लरा. मैम एक बात बताइए, आपने इतने लोगों को डांस सिखाया है, सबसे खराब स्टूडेंट आपको कौन लगता है? ओ गॉड, सबसे खराब इज लाइक टाइगर श्रॉफ यार. टाइगर? वो तो बड़ा अच्छा डांस करते हैं. इसीलिए तो वो मुझसे ज्यादा जानता है. मैं उसको बोलती हूँ 5, 6, 7, 8, तो सामने से बोलता है 9, 10, 11, 12. कहता है 5, 6, 7, 8 तो मैंने पैदा होने से पहले ही सीख लिया था. अरे पहले वो शरीफ था, अभी वो श्रॉफ हो गया यार. इट्स टू मच. ओ फोन आ गया, फोन आ गया. हेलो. हाँ ओके ओके, आई विल बी देयर. ओके डार्लिंग, बाय. ओके देखा कपिल, मुझे फीता काटने जाना है. ऐसे चीफ गेस्ट जा रही है? नहीं नहीं, वो मेरे बच्चे के जूते का फीता फंस गया है ना, वो काटने जाना है. अब वो लॉर्ड ऑफ वॉर का कपिल, ऐसा मत बोलो, अभी हंस भी रहे हो. ओ गॉड, अभी और एक फोन आने वाला था, कर लो फोन. हेलो. हाँ शिरीषमा डार्लिंग, व्हाट हैपेंड? क्या टाइगर को फिल्म मिल गई? अच्छा ये तो आपको पहले बताना चाहिए था ना. ओके ओके, जल्दी से मैं फोन कर लेती हूँ उसको, इससे पहले कि रेमो को फिल्म मिल जाए. ओके बाय 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 डार्लिंग. मैं ना टाइगर को फोन कर लेती हूँ, ए बी आर डोंट माइंड. 5, 6, 7, 8. हेलो टाइगर. हेलो हेलो टाइगर, नेटवर्क थोड़ा वीक है. मेरा बच्चा है तो
अरे दादा आपने क्यों फोन उठाया, मुझे टाइगर से बात करनी है। हाँ तो टाइगर भी मेरा बच्चा है ना बेड़ो। ओ गॉड दादा आप समझ नहीं रहे हो, किसी और को काम मिल जाएगा, आप फोन रखो। ओके बाय बाय। बेड़ो मेरा बच्चा है तो। दादा मैंने फोन कट कर दिया दादा। हाँ तो क्या हो गया, इधर देख। जो भी दादा का फोन और झाड़ काटेगा उसकी तो वाट है बेड़ू। बेड़ू मेरा बच्चा है तू, झाड़ लगाने का बेड़ू मेरा बच्चा है। हाँ। तू क्या बोला, मैं बता। मैं आपका झाड़ू और मैं बच्चा लगा दूंगी। ए, क्या बोल रही है? सॉरी सॉरी, मैं आपका बच्चा हूँ और मैं झाड़ लगा दूंगी। राइट राइट, झाड़ लगा दूंगी। हाँ क्यों आए आप यहाँ दादा, व्हाट इज दिस? वो गेस्ट अपीयरेंस के लिए जरूरी रहता है ना बेड़ू। वो क्या है अभी सर, इस दुनिया में आदमी एक मकसद, एक मनसूबा, एक वजह लेके आएगा। दादा ये तीन हो गया। हाँ तो तेरे को जो अच्छा लगता है वो रख ले। आंटी टाइगर, टाइगर चाहिए मुझे। टाइगर चाहिए? हाँ। तो एक काम कर, झाड़ लगा। हाँ झाड़ लगा, ऐसा बहुत सारा झाड़ लगाएंगे, पूरा जंगल हो जाएगा, टाइगर खुद ब खुद चल के आएंगे। आए कि नहीं? दादा मुझे टाइगर को कोरियोग्राफ करना है, डांस सिखाना है, इससे आई नीड टाइगर। तू मेरे को सिखा दे, मैं उसको सिखा दूंगा। ओ गॉड। अच्छा ठीक है, उसके पहले आपको सीधा होना पड़ेगा। ये ये लो। ओ गॉड, अभी अभी ठीक है? नहीं नहीं नहीं। हां ऐसा। हां या या, लाइक दिस लाइक दिस। या परफेक्ट, दिस इज बेटर। 1 मिनट 1 मिनट यार, 1 मिनट। अच्छा लग रहा है यार, ये दुनिया सीधी बहुत अच्छी लग रही है यार। लेकिन मैं जग्गू दादा नहीं लग रहा हूँ। एक मिनट। हाँ ये बोलो। हाँ बोल। चल मेरे को डांस सिखा। ओके डांस स्टेप इज 5 6 7 8 ठाक ठुक ठाक ठुक। दिस इज सालसा कंटेम्प्रेरी कुचिपुड़ी। तो एक दाल खिचड़ी कर दे। क्या? एक बात बता, हम लोग सब कौन है? हम तो इंसान है ना। नहीं right? मेरा बच्चा है तू। बोलो मेरा बच्चा है तू, मेरा बच्चा है तू, मेरा बच्चा है तू, क्या समझी? हाँ मेरा बच्चा है तू, मेरा बच्चा है तू। बिलो झाड़ लगा, बिलो झाड़ लगा, ऊपर वाला सब देखा। बिलो बिलो क्या हो गया? बिलो ऊपर वाला, I love you ऊपर वाला, I love you ऊपर वाला, I love you ऊपर वाला। अरे बिलो क्या हो गया? बिलो फारा बच्चा दो। अरे बिलो झाड़ लगा, बिलो। अरे किधर जा रहे हो बिलो? अरे बिलो मेरा बच्चा है, मेरा बच्चा है। क्या भी सुपर। अच्छा आप सब जानते हैं कृष्णा तो है ही कमाल, लेकिन जैमी जो है हमारे शो पे आज पहली बार आई है, और जैमी आप सब जानते हैं हमारे हिंदुस्तान के, मैं उनके लिए क्या कहूँ, शब्द नहीं है, जॉनी भाई द ग्रेट जॉनी लीवर साहब, ये उनकी बेटी हैं, और इतनी कमाल की ये अदाकारा हैं, ये बहुत सारी चीजें करती हैं, धीरे धीरे करके अपना पिटारा खोलेंगी। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत अच्छा किया जैमी आपने। थैंक यू, थैंक यू, गॉड ब्लेस। थैंक यू ब्रो, ऑलवेज ब्रो। आइए आइए चित्रांगदा, एक बार जोरदार तालियां अभिषेक सर और चित्रांगदा के लिए। आइए चित्रांगदा, बहुत बहुत धन्यवाद। अभिषेक भाई मैं हमेशा से कहता आया हूँ, आज फिर कहूंगा, मैं आपका बहुत बड़ा फैन हूँ, फिल्मों का तो हूं ही, लेकिन ये जो आप बिट्टी हो, ये जो आपके वन लाइनर्स आते हैं ना, ये माहौल अलग बना देते हैं। थैंक यू सो मच फॉर द ब्यूटीफुल इवनिंग। थैंक्स अ लॉट, ढेर सारी शुभकामनाएं आपको। थैंक यू। और दोस्तों आप सबसे भी मेरा अनुरोध है कि बाजारों में भीड़ करने से बचें, कोरोना का खतरा जो है अभी टला नहीं है, मास्क लगा के रखें, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें, स्वस्थ रहें, खुश रहें। गुड नाइट, शुभरात्रि। थैंक यू, सुपर्ब था भाई। थैंक यू, थैंक यू सो मच। थैंक यू भाई। Yeah, yeah.